हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आज हम जा रहे हैं अपने ननद के घर जो सबसे छोटी ननद हैं क्योंकि हमारे भान की शादी होने वाली है चौबीस नवंबर को तो अब ज़्यादा दिन नहीं है तो हमने सोचा एक बार देख के आते हैं क्या हो रहा है काम धाम उनका तो गए थे तो मैं सोच रही थी कि चलो अभी आए हैं तो वीडियो भी बना रहे थे क्योंकि फिर मेरे को भी वीडियो की ज़रूरत होती है तो टाइम भी ना बर्बाद हो और मेरा दोनों काम हो जाए करके मैं ऐसी थोड़ा बना रही थी मैंने कहा ब्लॉग जैसा बना लूँगी एक क्योंकि अभी शुरुआत हो गई है शादी की अभी यहाँ तो कोई काम हम हाँ हमने किया नहीं था तो ऐसी देखने आ रहे थे ये है ये है मेरी ननद जिनके बेटे की शादी है और ये जो बच्ची है मेरी जो द, दूसरी बीच की ननद है जो उनके नातनी है बड़े बेटे की बेटी और ये उनकी दोनों बहुएं जो मेरी बड़ी ननद है उनकी दोनों बहुएं हैं ये पकौड़ी बना रही हैं ये भी आए हुए थे और हम भी गए थे वहाँ तो ये आलू प्याज के पकौड़ी बना रहे थे बहुत टेस्टी टेस्टी पकौड़ी बनाई थी इन लोगों ने तो मैंने कहा चलो ये पकौड़ी बना रहा तो मैं क्या करूँ मैं अपना काम कर लेती हूँ मैं वीडियो बनाने लगी तो मना कर रहे थे ये देखो मैंने इनको बोला मेरे तरफ को देखो इनने एक बार भी नहीं देखा तो मैंने ऐसे ही इनका वीडियो बना लिया तो वो समझ रहे थे कि ऐसा नहीं डालेंगे तो मैंने कहा मैं वीडियो में डाल दूँगी आप लोग मत देखो तो अच्छे लग रहे हैं दोनों और ये जो मेरी बड़े भांजे उनकी बेटी है तो ये पर्स रखे हुए थे वहाँ तो इनको मस्ती करने को दिल हो रहा था तो ये पर्स लेकर घूम रहे थे इधर से उधर कभी बड़े पर्स को कभी छोटे पर्स को तो मैंने बोला सही है मैं तुम्हारी वीडियो बनाती घूमते रहो तो बच्चों को होता ही है थोड़ा सा अगर उनको आज़ादी मिल जाती है खेलने कूदने की तो खुश रहते हैं अभी बच्चों को इस समय इनका खेलने कूदने का टाइम होता है और अगर बच्चे खेलेंगे नहीं शैतानी नहीं करेंगे तो घर में अच्छा भी नहीं लगता है तो मैं देख रही थी ये क्या क्या कर रही तो मैं वीडियो बनाने में लगी थी वो सोचती मतलब मेरे को देख भी रही थी बाहर जा रही थी वो फिर यहाँ पे पकौड़ी खाने लग गए थे ये लोग तो मैंने सोचा पहले मैं इनका वीडियो बना लेती हूँ सब पकौड़ी खाने से पहले मैंने इनका वीडियो बना लेता फिर हम जब घर को आ रहे थे तो ननद के जो डबल स्टोरी हैं उधर काफ़ी जगह है ऊपर में छत में तो हमने कहा चलो बाहर भी देखते थोड़ा तो हम यहाँ पर फिर वीडियो बनाने लगे तो जो हमारी छोटी बड़ी ननद हैं उनकी छोटी बहू है ये अभी ज़्यादा दिन नहीं उनको एक साल नहीं हुआ है इनका शादी का तो फिर ये मस्ती कर रहे थे हमारे साथ तो हमने कहा चलो ये भी थोड़ा सा बना लेती हूँ अच्छा लगता है कुछ यादें रह जाती हैं क्योंकि वैसे तो मिलना नहीं हो पाता है सब अपने अपने घरों में रहते हैं बस शादी ब्याह में या त्यौहार में ही मिलना हो पाता है तो ये बड़े भांजे की बेटी हैं और उनकी वाइफ हैं तो हम लोग बना रहे थे ये समझ रहे थे कि मजाक कर रही डालेगी नहीं तो मैंने बोला मैं इसको वीडियो बना के डालूँगी तो जब ये देखेंगे तो तब इनको पता चलेगा कि हाँ सच में वीडियो बना के डाला है अच्छा भी लग रहा है और अभी आ रही हैं बड़ी नजर आ रही तो मैंने बोला उनसे आप भी आ जाओ तो हम उनके भी बना रहे हैं थोड़ा सामने ये मना कर रहे थे मैंने इनको भी डाल दिया ये है इनकी दो बहु हैं ये बहू इन्हीं है, की हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कैसी लगी वीडियो आप कमेंट के द्वारा बताएं और ये हैं दुल्हे की माँ हैं और नन, ननद है हमारी छोटी और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद